चल चलो भाई यही खड़ा चलो भाई दोस्तों ये तो होता रहेगा, मोटा मोटा समझो गोल वाला आ गया था, फेर में नहीं आना, जुर्माना नहीं खाना, गोल का मतलब है सरकारी आदेश है, जिसका चक्कर काटेगा थाना में जाओ, यादगार में जाओ, कोर्ट में जाओ, वो घुमाएगा, ठीक है। तो अपने घूमना नहीं, मुझे कार वो समोसा देता है ना, खाओगे तो एकदम अच्छा लगेगा, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे धीरे धीरे, फिर बॉडी भी ऐसी बढ़ेगी, ठीक है। तो एक बार ताली बजाओ यार, खोट है या सुसरे के कलोट तो बता दे साहब, बता दे मेरे
लीवर फेफड़े जम गए और शानदार मेरा छोरा टक 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 करके डांस करके आगे टांगता है, तो मैं समझ जाता हूँ उसका भविष्य खराब है। तुम बता देते ना गाड़ी का भविष्य खराब है, तो रोड में क्या ध्यान रखना चाहिए, बत्तियों का ध्यान रखना चाहिए। एक बत्ती पीली बत्ती होती है, बताओ कितनी देर रहती हो? 4 सेकंड का सीधा सीधा मतलब है ना, मानोगे में घुसोगे ना तो चार भाई कंधे पे लेके जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना चीज होती का, उस समय बड़ी तेजी से अपने को तू मचा ले, फिर बाद में कहेंगे मम नहीं बचा ले, फोटो में राड़ पड़ जाएगी। मिसेज के लिए दिखाऊं या अच्छा सा दिखाऊं? हेलमेट पूरा बढ़िया, उसके पीछे लिखा रहता है 4151। इसका मतलब आप लोगों के साथ पोर्टफोलियो पकड़ते हो बिना हेलमेट, तो हेलमेट के अंदर चालान क्यों करते हो आप? भाई मैं तो तेरे प्रॉपर्टी नाम करता हूं, मेरी चल कहां रही है? अच्छा कोई आके तुझे कह दे लेकिन कतई अपने को छोटा दिल नहीं करना चाहिए अपन सब। अब मैं हमारा मकसद सिर्फ ये है सब, हमारे 1 तारीख को एक जवान की टक्कर मार दी पुलिस ने, उसका नाम संजय था, महाराणी सड़क दारू में धरतराष्ट्र हो रखा था। फिर उसके बाप ने बड़ी बड़ा दिल दिखाया, फौजी था वो, कान जी आप जैसी पर्सनलिटी का आदमी था भाई, उन्होंने क्या करा कि बच्चे की बोले भाई आँख तो वैसे भी काम नहीं आएगी, तो उसने आँख डोनेट कर दी, तो उस आँख से कोई आँख देख पा रही है। तो ऐसे लोगों के जज्बे को एक बार ताली और नमन। हंसते हंसते यही समझाती है कि भाई एक भी जान बचा दी तो आपने 7 पीढ़ी बचा दी उसकी। आप खुद सोच के कल्पना करके देखो कि आप जिस भी स्टेज पे यह काम कर रहे हो या मैं जिस स्टेज पे हूँ सर, जिस पे अपने परिवार में अगर अपने पीछे क्या है बताओ, जितने भी खास बनते हैं ना कोई खास नहीं है। कोरोना में अपने अपने देखना ना कि सब बनते थे, कोई तेरा खास नहीं है, मर के तो देख कोई आस पास नहीं है, कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के बेचैन बुलाते हैं,
और ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, जीवन से लंबे तो ये अहम के नाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, पूरी दुनिया के लिए हो सकता मैं एक आदमी हूं लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। इस दुनिया को संजोने का काम अपना है और ये काम मैं इसलिए करना भी चाहता हूं कि हम चले तो आप सब लोग एक एक आदमी को भी समझाएंगे और मुहिम को छेड़ देंगे आसपास तो क्या होगा बदलाव, क्योंकि केएस मोटर पूरी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है और आप पूरी सिस्टम को चलाते हो, गति प्रदान करते हो, तो आपकी मुहिम को मैं सैल्यूट करता हूं और कहता हूं कि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाए पथ हमारा रोक देंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों चल पड़ेंगे। तो हंसने हंसाने के लिए तो मेरा चैनल खूब देख सकते हो, लेकिन ये जो मजबूती की बात मैं कहता हूँ ना, पहले मैं भी एक समय होता है अपनी बॉडी अपने आप को बता देती हूँ, यंग है बच्चे अभी तो बात कर रहा है रमेश सुरेश रॉकेट बात तो ये लोग बोलना चाहता अरे यार मेरे को तो मेरी तेरी भाभी पता है क्या कहती है, तू भर्ती कैसे हो गया मतलब उसको इजी गोइंग लगता है नार का, क्योंकि शादी से पहले आदमी ऐसा होता है कि आदमी बिल्कुल सिरनाथ जी महाराज, फिर नाथ, फिर अनाथ, फिर बच्चे होते हैं लाख बाप गोरखनाथ, ऐसे ही शादी के पहले मिसिर भी होती है चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, फिर थोड़े दिन बाद ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी, तुझसे दुखी, बोले साले छत पे चढ़ के कूद जा तो भी सुखी। तो भाई कश्ती तूफान से निकल सकती है, गिरे ही सांप फिर से संभल सकती है, मत छोड़ आस का दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल सकती है। तो अपन जिस स्टेज में है कूड़ी की भी बावड़ती है, मैंने देखा है कि जिस स्टेज पे जो आदमी रहता है वो उस स्टेज पे नहीं रहता थोड़े दिन बाद, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे क्लिक कर लेंगे, एक बार काम को ढंग से करके देखो, शानदार काम में बदलाव आएगा, इनिशिएट देने का मन करेगा। जीवन में कोई भी काम ऐसे नहीं करना चाहिए, जिस संस्था से आप जुड़ गए, जिस परिवार से आप जुड़ गए उसकी नाक होनी चाहिए आप, तो गिरावट नहीं आनी चाहिए मित्रों जीवन में। एक बार मैं छत से गिर गया सर, लोगों ने मुझे समझाया शुक्र है छत से गिरा, छत के ऊपर गिर जाती तो लेकिन जो अपना सिस्टम जो मेहनत करने जानते हैं पुरुषार्थी लोग जो छोड़ देते हैं ना वही आलसियों को मिलता है। तब मैं ये कविता के छोटी सी खत्म करते हैं कि जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए, आपकी तो गिरावट आती नहीं, मैंने देखा दिनों दिन रात रूप बढ़ते हो, क्योंकि सब सोए और हम जागे, दुनिया को पागल लागे पर कोई न जाने पागलपन, तन्हा है क्यों व्याकुल मन, जीवन में तन्हा रहना क्या, तारों के संग बहना क्या, अश्कों के संग बहते हैं वरना तो अश्रु बहते हैं, बहते अश्कों के धारे मन में बहने दे प्यारे, बाहर तो निकले अश्रु धार तो इतना होने दे उपकार, इंसान वही तो नायक है जो खुशियां बांटता नायक है। गिरावट नहीं आनी चाहिए अपने काम में, गिरावट नहीं आनी चाहिए आसपास, देखो कोई चीज गलत हो रही हो तो उसका अपोज करो, उसको गलत रोको, मजा आएगा, आप हीरो बनोगे अपने आप में, दिल खुश होएगा। तब मैं कहता हूँ कि क्या करती है, सुबह ओस गिरती है, सरकारें गिरती हैं, पहले तो दीवारें गिरती हैं, अगर अपन प्यार से रहेंगे लड़ेंगे और अच्छे से बात करेंगे तो दीवार भी गिर जाती है, सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, रात को शर्म गिरती है। वाँ वाँ। इसका सिलेबस का एक पार्ट आया, अगले ने पकड़ लिया। तो कहता हूं कि सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, रात को शर्म गिरती है, गिरना जीवन का कर्म है, गलती हो जाए कोई बात नहीं, गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है, और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है, और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था, तो मन में कोई पाप मेल हो यही घेर देना है ना। वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था, तो हर जगह से गिरेंगे, नजरों से नहीं गिरेंगे।
पूरा श्रम करेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, दौड़ेंगे, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। साहब अभी कर लेंगे तो सब, जो नेक है वो एक नहीं है, जो एक है वो नेक नहीं है, तो हम कम से कम जो नेक है वो तो एक हो, है ना। हमेशा मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और लास्ट लाइन यही कहता हूँ कि मस्ती से काम करो, इंजॉय लो उस काम में, तब मजा आएगा। जैसे मेरे काम में मैं चाहता तो थाने थूने में लग के व्यवस्थित हो जाता, लेकिन मेरा मन का काम है तो मेरी व्यवस्था है, मेरा दिल खुश हो जाता है। जब आप लोग जैसे लोग मिलते हैं तो वो एक लंबा परिवार बन जाएगा ना अपना। तो मैं कहता हूँ कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे, दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की, बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। बच्चों के लिए IAS तक पढ़ाता हूँ मैं, तो उसमें छोटी छोटी चीजें हैं, फटाफट कैसे याद होते हैं, टॉपिक कैसे होते हैं, सफल कैसे होते हैं, जैसे पढ़ोगे तो सटासट याद आ जाएगी। सिंधु जेलम चिनाव रावी सतलज व्यास यमुना गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी चंबल बेतवा केमसोन दामोदर महानदी नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी पेल्लार पेन्नार में गई। कैसे याद करते हैं बच्चे, वो देखेंगे, उनको भी दिखाना और भाभी जी को भी दिखाना। आपके काल के देव और तुम्हारे याद दिलाइए तो मेरे नंबर पे बता देता हूँ, फेसबुक पे आप पीके मस्त लिखोगे तो मेरे नंबर आ जाएंगे, मेरी आईडी आ जाएगी और मेरा पेज आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी ना मिले तो सर दोनों है ही, और एक दिन बड़ी हंसी का करेंगे जिसमें गार्डन होगा, आवाजें नहीं आएंगी, और हो सकता है भाभी